नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे विक्रांत बने सरताज। जी हां, विक्रांत भूरिया युवक कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। विक्रांत भूरिया कांग्रेस के दिग्गज आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं और मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के पहले आदिवासी नेता जो युवक कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी संजय सिंह को 20,420 वोटों से हरा दिया। प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में 9 उम्मीदवार थे। इनमें भूरिया के बाद संजय सिंह यादव को सबसे ज्यादा वोट मिले, वो 20,430 हैं। उन्होंने वरिष्ठ उपाध्यक्ष उन्हें बनाया गया है, वो भी पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के भतीजे हैं। इसके बाद तीसरे स्थान पर अजीत बरासी भी पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू के बेटे हैं। बरासी के साथ प्रतिमा मुद्गल और विधायक विपिन वानखेड़े को उपाध्यक्ष पद से संतोष करना पड़ा। ये भी आपको बता दें कि वानखेड़े ने चुनाव के एक दिन पहले अपना समर्थन एक और प्रत्याशी विवेक त्रिपाठी को दे दिया था। विवेक त्रिपाठी सहित अध्यक्ष पद के 6 उम्मीदवारों को सचिव बनाया गया है। युवक कांग्रेस के चुनाव तय प्रक्रिया के तहत लोकतांत्रिक पद्धति से, जी हाँ, लोकतांत्रिक पद्धति से हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विक्रांत के नेता पुत्र और आदिवासी होने की वजह से एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये चुनाव भी एक फिक्स प्लान के तहत हुए? क्या विक्रांत की सीट पहले से ही तय थी? कांग्रेस उन्हें युवक कांग्रेस की कमान सौंपकर युवाओं के साथ आदिवासियों को भी साधने की तैयारी में थी, और अगर ऐसा नहीं तो आखिर वो क्या वजह रही जिसने इतने सारे थोक वोट दिलाकर विक्रांत भूरिया को युवक कांग्रेस के अध्यक्ष का ताज दिला दिया? हम अपने इस कार्यक्रम में इन सभी पहलुओं पर बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि पार्टी जो कि कांग्रेस है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ती हुई, जिस पर परिवारवाद, जिस पर पर्टिकुलर परिवार को लेकर आरोप लगते रहे, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरफ आगे तो बढ़ी, लेकिन ये जो झोल हुआ, ये जो आरोप लग रहे हैं, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? देखते रहिए आप विशेष। तो युवक कांग्रेस के नए अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के बारे में कुछ बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। युवक कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विक्रांत भूरिया विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। पार्टी ने वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में झाबुआ से उन्हें टिकट दिया था, लेकिन वो भाजपा के जीएस डामोर से हार गए। इसके बाद डामोर सांसद बन गए, फिर यह सीट खाली हुई तो विक्रांत भूरिया के पिता कांतिलाल भूरिया यहां से चुनाव जीतकर विधायक बन गए। अब जब विक्रांत भूरिया को नई जिम्मेदारी मिली है तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत दिग्गजों ने शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद विक्रांत भूरिया ने कहा कि अब उन्हें बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आदिवासियों वनवासियों की लड़ाई लड़ी जाएगी, बीजेपी सरकार आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे नहीं दे रही है, इसके लिए सड़क पर संघर्ष किया जाएगा। देखिए, ये बहुत बड़ा मौका मिला है और इसमें मेरे सारे मध्य प्रदेश के युवाओं ने जबरदस्त जो साथ दिया है, आखिरी दम तक साथ दिया है, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सारे वरिष्ठ नेतृत्व का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। श्रीनिवास जी और कृष्णा जी का, भैया पवार जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनने हम पर विश्वास करा और इस चुनाव के माध्यम से जो जनमत निकल कर आया है, ऐतिहासिक जनमत है, और ये हमको मजबूती देगा ज़मीन पर काम करने के लिए, युवाओं को एकजुट करने के लिए। और जो बेरोजगारी की समस्या हो, किसानों की समस्या हो, जो आदिवासियों की जो वन छीने जा रहे हैं, जो स्कूल बंद करे जा रहे हैं, ये हमारी प्राथमिकता रहेंगे और इनके लिए हम पूरे जमीन स्तर पर जबरदस्त संघर्ष करने हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा। इधर विक्रांत भूरिया के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बेटे को युवा कांग्रेस की कमान मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से वो मिलने पहुंचे, जो कहीं ना कहीं विक्रांत को मिले आशीर्वाद के बाद आभार प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि कांतिलाल ने अनादि टीवी से खास बातचीत में कांतिलाल भूरिया ने कहा, अब युवाओं को आगे आना है, उनको भी स्वर्गीय अर्जुन सिंह ने आगे बढ़ाया था। मैं युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि डॉक्टर विक्रांत के ऊपर उन्होंने भरोसा किया और एक ऐतिहासिक वोटों से जीता है, और विक्रांत अच्छे अपने काम करेंगे और हमेशा उसमें विक्रांत युवाओं में लगा रहता है, हमने उनको प्रोत्साहित किया है और के ताकि युवाओं के साथ एक मिल के काम करें, कांग्रेस पार्टी मजबूत करें, ये हमारा उनसे बात होती रही और आगे भी हमारी पूरी शुभकामना आशीर्वाद है कि इसी तरह से आगे बढ़ के काम करें और
प्रदेश के युवाओं को एकजुट करके कांग्रेस को मजबूत करें, ये हमारी शुभकामना है। बधाई कमलनाथ जी के भी आशीर्वाद उनको मिला, दिग्विजय सिंह साहब का आशीर्वाद मिला, हमारा भी मिला और सबका मिला है कि ऐसे करके मना आगे लोगों को जब तक बढ़ाएंगे नई पीढ़ी आएगी। भाई हम लोग भी जब पहले अर्जुन सिंह साहब थे उस समय हमको आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया फिर हमने संभाला और संभालने के बाद फिर हमारे अजय सिंह साहब है, दिग्विजय सिंह साहब है, सब ने अब उन्होंने हमने भी उनको आगे युवाओं को बढ़ा रहे हैं, वो आगे बड़े विरासत संभालेंगे। ये सब स्टेप बाय स्टेप चलता है तो सारे जो आगे आएगा काम अच्छा करेगा तो प्रदेश के युवा उनके साथ काम करेंगे और मदद करेंगे सबसे। अंदर खाने की खबर ये भी है कि विक्रांत भूरिया को दिग्विजय सिंह ही नहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी वरदहस्त हासिल था। उन्होंने अपने राइट हैंड सज्जन वर्मा को विक्रांत को जिताने की जिम्मेदारी रखी थी। सज्जन सिंह वर्मा ना तो इससे इनकार कर रहे हैं और ना मान रहे हैं। युवक कांग्रेस के 7 साल बाद चुनाव हुए हैं, पूरे लॉबिंग की जवाबदारी सज्जन सिंह वर्मा को दी गई थी, विक्रांत भूरिया अध्यक्ष बने, पूरी लॉबिंग आपके द्वारा की। नहीं, देखिए राहुल गांधी जी के स्पष्ट निर्देश थे कि युवक कांग्रेस के चुनाव में कोई भी वरिष्ठ नेता हस्तक्षेप न करे। ब्लेसिंग थी, गुड विशेष थी, शुभकामनाएं थी कि अच्छे नौजवान जीत के आए और वो शुभकामना विक्रांत के साथ ज़्यादा लग गई। विक्रांत जीत गए, उनमें कैलिबर है, डॉक्टरी पेशा है और इस तरह के नौजवानों की आवश्यकता कांग्रेस में है। और जितनी भी टीम जीत के आई है, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, विक्रांत के साथ, सब बहुत कैलिबर वाले हमारे लड़के हैं। और नगरीय निकाय चुनाव हम पूरा की पूरी कमान इन लोगों के हाथ में सौंपेंगे कि आ जाओ चुनाव के समर में कूद पड़ो और नौजवान सेकंड थर्ड लाइन को तैयार करो। अब सज्जन सिंह वर्मा हो या कोई और, कांग्रेस नेता कितनी भी सफाई दें, विपक्ष यानी कि बीजेपी कहां बख्शने वाली है। वो युवक कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया को ढकोसला करार दे रही है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि विक्रांत को ये ताज इसलिए मिला है क्योंकि वो कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं, उन्हें वोट मिले नहीं, उनके पक्ष में डलवाए गए हैं। सुनिए। देखिए, जिस पार्टी में दिल्ली में ही साम्राज्यवाद और परिवारवाद चलता हो उसमें प्रदेश में क्यों नहीं चलेगा। राहुल गांधी की क्या योग्यता है कि वो नेहरू परिवार में पैदा हुए। सोनिया गांधी की क्या योग्यता है कि वो राजीव गांधी से शादी हो गई। राजीव गांधी की क्या योग्यता है कि वो इंदिरा गांधी के बेटे थे। इंदिरा गांधी की क्या योग्यता थी कि वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। इसके अलावा उनने कुछ है? राहुल गांधी कभी स्कूल तक तो गए नहीं, उन्हें यह नहीं मालूम कि इस देश की आबो हवा क्या है, इस देश में कितनी बोलियां बोली जाती हैं, इस देश की धरातल की स्थिति क्या है, इसकी देश का भौगोलिक स्थिति क्या है। वो इस देश के एक पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। उनकी माँ जो इटली में पैदा हुई वो इस देश की एक बड़ी पार्टी की और सबसे पुरानी पार्टी की अध्यक्ष बन गई। तो कांग्रेस में तो गुट और गिरोह दिल्ली से चलता है, तो यहाँ क्यों नहीं होगा? जैसा ऊपर चलता वैसे ही नीचे चलेगा। इस मसले पर तो हम आगे बातचीत करेंगे ही, लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस को 5 साल बाद नया अध्यक्ष मिला है। अब तक विधायक कुणाल चौधरी अध्यक्ष रहे, मध्य प्रदेश में 7 साल बाद युवक कांग्रेस के चुनाव हुए हैं। इसके लिए 10, 11 और 12 दिसंबर को मतदान हुआ था। इस चुनाव में 3,50,000 सदस्यों में से 1,10,821 ने ऑनलाइन मतदान में हिस्सा लिया। प्रदेश अध्यक्ष के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में थे, हालांकि नामांकन 12 उम्मीदवारों ने भरा था, लेकिन अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार विधायक विपिन वानखेड़े समेत 3 दावेदारों ने नाम वापस ले लिया था। बात युवक कांग्रेस के चुनाव प्रक्रिया की करें तो 2011 में चुनाव से चयन की शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस में पहले निर्वाचित अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह थे, जो बाद में कमलनाथ सरकार में ऊर्जा मंत्री भी बने। उस समय 2 साल का कार्यकाल था। अगस्त 2013 में दूसरे प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी बने। कुणाल चौधरी अभी विधायक हैं, उनका कार्यकाल 2015 में समाप्त हो रहा था, लेकिन तब कांग्रेस ने अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल के बजाय 3 साल कर दिया। हालांकि 2016 में भी युवक कांग्रेस के चुनाव नहीं हुए और कुणाल अब तक अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश में अब तक मुकेश नायक, राजकुमार पटेल, मीनाक्षी नटराजन, प्रियव्रत सिंह, कुणाल चौधरी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं। इस चुनाव में धांधली होने की शिकायतें की गई थी, जिसकी जांच युवक कांग्रेस से राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलवेरा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पद के उम्मीदवार विवेक त्रिपाठी ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटिंग के बाद नए नियम जारी कर दिए गए। शिकायत में कहा गया चुनाव से पहले तक सदस्य बनाए गए, लेकिन 2018 की वोटर लिस्ट के आधार पर ऑनलाइन वोटिंग करा दी गई। मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव संपन्न हुए, जिसमें लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश के युवाओं ने भाग लिया था।
परंतु कल चुनाव कमीशन द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें जो वोटिंग हुई है उसमें से कुछ कारणों से वोटों को हटा देने का जिक्र किया गया है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के सभी युवा कांग्रेस के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं के बीच में असंतोष का माहौल है। इसी पूरी बातों को लेकर हम सभी साथियों ने, युवा कांग्रेस के प्रत्याशियों ने मिलकर इलेक्शन कमीशन के सामने आपत्ति दर्ज कराई है। हमें पूरा विश्वास है हमारी आपत्ति में संज्ञान लेके युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों और प्रत्याशियों के हितों को ध्यान में रख के इलेक्शन कमीशन फैसला लेगी और निश्चित ही जो भी वो फैसला लेगी हम सभी कार्यकर्ता उसमें उनके साथ में होंगे। तो ये जब रिजल्ट आया उसके कुछ समय पहले की बाइट थी जब इन्होंने कही, विवेक त्रिपाठी ने, और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि हमने जो लोगों को जोड़ा वो अभी जोड़ा, लेकिन जो वोटिंग हुई वो 2018 की वोटर लिस्ट के हिसाब से हुई। अब ऐसे में उन्हें शंका थी कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इसी को लेकर तमाम उम्मीदवारों ने तय किया था कि वो शिकायत करेंगे। अब शिकायत करते रहिएगा, लेकिन फिलहाल तो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं विक्रांत भूरिया। भूरिया एंड सन को लेकर इतना प्रेम क्यों कांग्रेस में, सवाल ये भी खड़ा होता है। और सवाल ये भी कि आखिर पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बीजेपी क्यों नहीं स्वीकार कर रही, ये भी एक सवाल है। और ये भी कि यहाँ तो फिर भी ठीक है, चुनाव हो रहे थे, 4000 से ज़्यादा वोट मिले विक्रांत भूरिया को, 20,000 से कुछ वोटों से वो जो सेकेंड कैंडिडेट है संजय यादव वो हार गए। बीजेपी में तो युवा हम अगर चुनाव की बात करें तो ऐसा कुछ होता नहीं है, वहाँ पर तो मनोनीत कर दिया जाता है। खैर, कई और सवाल हैं जिसको लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि पूरे 7 साल लग गए इन चुनाव को होने में। हालांकि जो युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल होता है वो 2 साल का होता है, जब कुणाल चौधरी बने तो उसको 3 साल कर दिया गया, 2016 में होने थे लेकिन नहीं हुए, अब 2020 में यानी पूरे 7 साल के बाद इस प्रक्रिया को फिर से किया गया। अब इसके पीछे की वजह नगरीय निकाय चुनाव, ये भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस में अब जिस तरह से चेंजेस की बात कही जा रही है उस चेंजेस को भी आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस काम कर रही है। विक्रांत भूरिया, नवनियुक्त युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत भूरिया जी, बहुत स्वागत आपका नादि टीवी में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत विक्रांत भूरिया जी, सबसे पहले आपको बधाई, अच्छे खासे वोटों से आप जीते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इस समय आपको भी पता होगा किस तरह के आरोप प्रत्यारोप और सवाल जवाब चल रहे हैं आपके नियुक्ति को लेकर, आपके कैंडिडेटशिप को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? आरोप प्रत्यारोप के बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं है, पर यह है कि ये चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक रहा है मध्य प्रदेश के लिए और बल्कि पूरे देश के लिए। जब पहली बार 14 प्रत्याशियों को मौका मिला अपने आप को साबित करने का और घर बैठकर हर गांव-गांव फलिए फलिए से युवाओं ने वोट करा जी। और कुल मिलाकर 1,11,000 युवाओं ने पूरे प्रदेश से गांव-गांव से इन्हें वोटिंग करी है, पूरा ऑनलाइन प्रक्रिया थी और पूरी पारदर्शी प्रक्रिया थी। उसके माध्यम से इस चुनाव में वही जीत सकता था जिसका प्रभाव पूरे क्षेत्र में और पूरे मध्य प्रदेश में सब जगह है जी। और वो मौका मिला और सारी युवाओं ने मुझको भरोसा जताया, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सबका। विवेक त्रिपाठी जो आपके ही प्रतिद्वंदी थे उस वक्त और उन्होंने भी अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई थी, उन्होंने कुछ समय पहले एक टिप्पणी की थी कि हमने लोगों को जोड़ा और इसको लेकर सभी उम्मीदवार शिकायत कर रहे हैं कि 2018 की लिस्ट के हिसाब से वोटिंग को माना जा रहा है, लेकिन हमने तो जो लोग जोड़े वो 2020 तक जोड़े, उन्हें थोड़ी सी दिक्कत थी, क्या उसे आप सही रीजन नहीं मानते कि जो आरोप लगाया जा रहा है? आज हम सब लोग साथ में ही थे, विवेक भाई भी हमारे साथ में ही थे, और एक चुनाव प्रक्रिया होती है उसमें कुछ कई बार कुछ आपत्तियां हो सकती हैं, पर जिस तरह से ये प्रक्रिया पहली बार करी गई और जिस निष्पक्ष तरीके से करी गई वो अपने आप में तारीफ के काबिल है। और मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, श्रीनिवास जी और उनको, कि इस तरह के चुनाव जो कि 8 साल से अभी चुनाव नहीं हो पाए थे और काफी समय से कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही थी, ये चुनाव करवा कर नए प्रतिभाओं को उभरने का उन्होंने जो मौका दिया उसके लिए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एक सवाल और, थोड़ा सा कड़वा है लेकिन आपको जवाब देना चाहिए क्योंकि जो सवाल उठाते हैं उनको जवाब देना जरूरी हो जाता है। कहा यह जा रहा है कि नेता पुत्रों को अभी भी तवज्जो दी जा रही है, उनमें से एक नाम आपका भी। देखिए, ये इसलिए मैंने आपको पहले ही शुरू में बताया कि ये चुनाव में 14 लोग खड़े हुए थे और उसमें कौन किसको चुनता है, कौन युवाओं किसको चुनेंगे, ये किसी के हाथ में नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ ना आपको किसी वोटिंग बूथ में जाना है ना किसी के घर पर जाकर वोट करना है, अपने अपने घर पर वोटिंग कर सकते हैं। तो इसमें जो युवा समझता है
कि ये व्यक्ति पूरे प्रभावी तरीके से और पूरे सशक्त तरीके से ऐसी प्रतिभा है जो पूरे यूथ कांग्रेस को आगे बढ़ा सकते हैं, उस संगठन को पुनर्जीवित कर सकते हैं। वो मौका दिया गया था, उसमें कोई भी हो सकता था, मैं भी हो सकता था, कोई और भी हो सकता था, पर जिस तरह से 20,000 वोटों से की लीड से ये चुनाव यूथ ने जीता है, वो अपने आप में उस चीज का, आपके सवाल का जवाब देती है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा काबिल था इस पद के लिए उसको पद मिला है, किसी परिवार के चलते नहीं मिला है। सवाल ये भी कि देखिए, जिस क्षेत्र से आप आते हैं वहाँ पर आपने भी विधानसभा का चुनाव लड़ा, जीएस डामोर साहब से आप हार गए, वहाँ आपको लोगों ने पसंद नहीं किया, लेकिन युवा कांग्रेस पद के लिए आपको पसंद किया गया, कहा ये जा रहा है। आपको इसमें सुधारना चाहूंगा, इसमें ऐसा नहीं हुआ, इसमें हमारी पार्टी के एक व्यक्ति वो भी खड़े हुए थे और वो 35,000 वोट ले गए थे, तब जाकर 10,000 से ये चुनाव में हारा था। और ये फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये किसी एक अंचल का चुनाव नहीं था, ये पूरे प्रदेश का चुनाव था और प्रदेश में जो व्यक्ति नेतृत्व करने की क्षमता रखता है उसको मौका मिला है। राजनीति में कहा जाता है कि नेता सबसे पहले सब बड़ी पकड़, जो मजबूत पकड़ है, अपने क्षेत्र में बनाता है। खैर, एक और सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ। सज्जन सिंह वर्मा साहब की बाइट आई, उसमें उन्होंने कहा कि हमने तो सभी को ब्लेसिंग्स दी थी, आशीर्वाद दिया था, विक्रांत भूरिया जी को ज्यादा लग गया। इसके पीछे कारण ये भी माना जा रहा है, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स हैं उनमें चर्चा है ये कि आपके लिए दिग्विजय सिंह साहब, कमलनाथ साहब, सज्जन सिंह वर्मा साहब को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी आपकी जीत को सुनिश्चित कराने की। वही, यही चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आपको कोई भी, आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो आप अपने वरिष्ठों का, अपने बुजुर्गों का और जो आपके सबसे बड़े लोग रहते हैं उनका आशीर्वाद जरूर लेते हैं। तो मैं आशीर्वाद लेने सबके पास गया था और सबने खुले दिल से आशीर्वाद दिया, पर सबसे बड़ी जो बात थी इसमें, वोटिंग बड़े नेता नहीं कर रहे थे, ना ही वरिष्ठ नेतृत्व कर रहा था, वोटिंग कर रहे थे हमारे जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो गांव गांव में हमारे यूथ कांग्रेस की लॉबी है वो वोटिंग कर रही थी और उनने सीधे सीधे वोट देकर जो उनका मनपसंदीदा कैंडिडेट था उसको वोट दिया है और जिताया है। चलिए, यानी विक्रांत भूरिया इतने मजबूत चेहरा है, इतना बड़ा नाम है कि उन्हें 2018 में जीत नहीं मिलती है, लेकिन बाद में आते आते वो जीत भी जाते हैं और उसके बाद जो अभिलाष, माफ कीजिए, विपिन वानखेड़े जी हैं, वो विवेक त्रिपाठी जी को समर्थन भी दे देते हैं, उसके बाद उनका नंबर छठवें पायदान पर रहता है। चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रांत भूरिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विक्रांत भूरिया जी नवनियुक्त युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ बने हुए थे, कई सवालों का जवाब दिया उन्होंने, लेकिन आखिरी सवाल का जवाब हम चाहते थे कि मिल जाता, लेकिन ठीक है, शायद फोन डिस्कनेक्ट हुआ। आखिरी जो सवाल ये कि मैंने जो किया वो ये था, आप दर्शकों को एक बार फिर से सुनना चाहिए कि विक्रांत भूरिया इतना बड़ा फेस है, इतना बिग फेस है कि वो 2018 में अपने ही क्षेत्र से चुनाव हार जाते हैं, लेकिन युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं, बावजूद उसके कि विवेक त्रिपाठी को, विपिन वानखेड़े जिनका खुद का, जो खुद बड़े पोजीशन पर रह चुके हैं कांग्रेस में, वर्तमान में विधायक हैं, उनका समर्थन मिलता है बावजूद इसके। सवाल तो कई खड़े होते हैं और सवाल थोड़े से कड़वे भी हैं, लेकिन जैसा कहते हैं ना कि सवाल जब सामने आता है, कोई आरोप लगाता है तो उसे जवाब जरूर देना चाहिए। विवेक त्रिपाठी जी, जिनके बारे में भी हम चर्चा कर ही रहे थे, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए उम्मीदवार थे ये भी युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए। विवेक त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत आपका नादि टीवी में। जी नमस्कार पारुल जी। विवेक त्रिपाठी, विपिन वानखेड़े जी ने आपको समर्थन भी दे दिया, बावजूद इसके छठवें नंबर पर आप रह पाए, इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? क्या लोगों ने आपको प्यार नहीं दिया, या पहले जो आपकी बाइट हम दर्शकों को दिखा भी चुके हैं, आपने कहा कि 2018 की लिस्ट के हिसाब से वोटिंग हुई, आपने जिन लोगों को जोड़ा वो तो 2020 तक भी जुड़ते रहे और जो 16 साल के होंगे जाहिर है वो 18 साल के अब हुए होंगे। पारुल जी थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन है, आप मिस गाइड हो रहे हैं, मैं चौथे नंबर पे हूँ पर रिजर्वेशन के कारण मेरे को सेक्रेटरी बना दिया गया। वोटों के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो मुझे 10,000 वोट पूरे मध्य प्रदेश से मिला है और मेरी प्रोफाइल ये कहती है मैं गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता हूँ, गैर राजनीतिक परिवार से आता हूँ, मेरे पूरे खानदान में मैं एकमात्र हूँ जो राजनीति कर रहा हूँ, मध्य वर्गीय परिवार से आता हूँ, एनएसयूआई में 12 साल जो मैंने संघर्ष किया, प्रदेश भर में मैंने काम किया, उसकी वजह से मुझे 10,000 वोट मिला है। अपेक्षित वोट मुझे नहीं मिला है, मैं चौथे स्थान पे हूँ, परंतु कमेटी में जो रिजर्वेशन है, जो हमारी पूरी प्रदेश कार्यकारिणी में, उसमें रिजर्वेशन की वजह से मैं सचिव पद पे चला गया हूँ। यानी आपसे किसी वोट बैंक को साधा नहीं जा पा रहा था, इसलिए तो थोड़ा सा आपको साइड भी किया गया। पारुल जी आपकी देखने का नजरिया, मैं मेरे नजरिए से कुछ और देख रहा हूँ, आप अपने आपकी मजबूरियाँ समझ सकते हो। मैं भी आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ पारुल जी, पर
देखिए उसको, अगर वोटों की गणना में आप देखेंगे तो चौथी स्थान पे हूँ मैं, और मैं संतुष्ट हूँ, मैं परिवार का हिस्सा हूँ। यूथ कांग्रेस के चुनाव खत्म हो गए, अब हम सभी मिलकर यूथ कांग्रेस को मजबूत करेंगे पूरे मध्य प्रदेश में। सर थोड़ा सा मैं आपके बारे में और जानना चाहूंगी और हमारे दर्शक भी इस मामले में जानना चाहेंगे कि विवेक त्रिपाठी जी, आपने कहा कि 12 साल आपने संघर्ष किया, अभी तक आप 12 साल से काम ही कर रहे कांग्रेस के लिए, इससे पहले आप किन किन पदों पर रहे और वहां से आपको किस तरह से लोगों का प्यार मिला, थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। देखिए मैं NSUI के माध्यम से छात्रों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, विश्वविद्यालय और कॉलेजेस मेरा कार्य क्षेत्र हमेशा से रहा है पारुल जी, और मैं एक गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता हूँ। लगभग 2008 में सदस्य के रूप में मैं जुड़ा था, ठीक है, और 2010 में मैं चुनाव लड़ा हूँ डिस्ट्रिक्ट का, और डिस्ट्रिक्ट के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी के पद से मैंने स्टार्ट किया है, और 2014 में मुझे मीडिया का इंचार्ज बनाया गया। और पारुल जी आप ही लोगों का सहयोग रहा कि आप लोगों ने मुझे प्रवक्ता पद तक पहुंचाया, और मैं NSUI के प्रदेश प्रवक्ता के पद पे लंबे समय से काम कर रहा हूं। आपको पता होगा कि आपकी बाइट जो आपने कुछ समय पहले दी थी चुनावी प्रक्रिया को लेकर, वो एक बार मुझे लगता है आपको सुनना चाहिए, याद आएगा आपको आपने क्या कहा था, सुनवाइए विवेक त्रिपाठी जी, याद है आपको? पारुल जी मुझे याद है, मैं आप मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मैंने उसमें ये बात कही थी कि चुनाव के 3 दिनों बाद कुछ नए नियमों को लेके पूरे मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल है। हमारे कुछ साथियों ने तो इसे आप जेन्युइन कैसे मान सकते हैं सर, वही तो सवाल है मेरा, आप खुद ही सवाल उठा रहे थे कुछ दिनों पहले और आज आप खुद ही नमस्ते कह रहे हैं। नमस्ते तो कहा ही नहीं मैंने पारुल जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसमें जो मैंने बात कही, आप उस बात को फिर से उस बाइट को चला के सुनिएगा। मैंने कहा था अराजकता का माहौल है, उस माहौल को लेके हमारे साथियों ने शीर्ष नेतृत्व से शिकायत की है। चुनाव प्रभारी महोदय के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि जो आपको लग रहा है कि अगर आपके वोट जेन्युइनली जो है वोट वो काट दिए जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और अगर ऐसा आपको लगता है, अगर और 20,000 लोग आपको वोट देना चाहते और उनके वोट इस बीच कट गए होंगे, तो विवेक त्रिपाठी जी आपका तो उन लोगों के साथ तो अन्याय हुआ है, वो तो आपसे प्यार करते थे, आपको चाहते थे, उनके वोट तो कट गए, ये जेन्युइन कैसे हो सकता है सर? जेन्युइन इसलिए नहीं हो सकता पारुल जी कि छोटी सी परेशानी ये हुई है, उसमें टेक्निकल इशू ये है कि 2018 में जो सदस्यता हुई थी और ये चुनाव हो रहे हैं 2020 में। ये सवाल मैंने नहीं खड़ा किया था ना सर, सवाल तो आप ही लोगों ने खड़ा किया था, तो सवाल उसको समझा, अब आप उस नेचर में रहे हैं जैसे आप चाहते हैं। नहीं पारुल जी मेरे को जवाब तो देने दीजिए, देखिए बहुत टेक्निकल इश्यूज में ये है कि 2018 में जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन कराया था वो मोबाइल नंबर बंद हो जाने की वजह से आप चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाए, आप अपना वोट नहीं दे पाए। इस चीज को लेके मेरे साथियों और पदाधिकारियों में माहौल खराब हो रहा था, उसको लेके उन्होंने बातचीत रखी, और हमारे यहाँ पूरा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, बात रखने की अभिव्यक्ति की आजादी है, बात रखी जाती है, आपकी समस्या सुनी जाती है, उसको समाधान निकाला जाता है। चलिए एक सवाल और मेरा आपसे कि विक्रांत भूरिया साहब जो आपके अब सीनियर हैं, उनसे भी मेरा ये सवाल था कि विक्रांत भूरिया साहब इतना बड़ा फेस हैं कि वो अपने क्षेत्र में हार जाते हैं, कहते हैं राजनेता सबसे पहले अपने क्षेत्र में ही मजबूत पकड़ बनाता है, वहाँ से हार जाते हैं, लेकिन युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का जब चुनाव होता है, सज्जन सिंह वर्मा साहब कहते हैं कि हमने तो सभी को ब्लेसिंग्स दी लेकिन विक्रांत भूरिया को ज़्यादा लग गई, गलियारों में खबरें ये भी कि दिग्विजय सिंह साहब का आशीर्वाद है, कमलनाथ साहब का आशीर्वाद है और सज्जन सिंह वर्मा को ये जिम्मेदारी दी गई है, कैसे देखते हैं इसे आप? बगैर आशीर्वाद के तो नहीं हो सकता है, और मैं समझता हूँ ये प्रेम सब में बराबर से बटता तो सब सम्मानजनक पदों पे होते, बराबर ही तो नहीं बटाना विवेक त्रिपाठी जी, तभी तो आज विवेक त्रिपाठी जी चौथे नंबर पर आ गए जी पारुल जी। चलिए बहुत अच्छे से आपने जवाब देने की कोशिश की, शुभकामनाएं आपको, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए ये जो इलेक्शन होते हैं, कहते हैं राजनीति में शुरुआत तो स्कूलिंग टाइम से कॉलेज टाइम से जो जिनके ब्लड में होता है कि वो राजनेता बनना चाहते हैं वो तभी सही कर देते हैं, लेकिन असल मामलों में आते आते जब राजनीति में कदम रखा जाए और किसी पद के लिए या किसी कोई बड़ा चेहरा आप बनना चाहें तो युवा कांग्रेस या फिर भारतीय युवा संघ या फिर तमाम ऐसे संगठन हैं जिसमें युवा शुरुआत करते हैं और फिर इस तरह के चुनाव होते हैं। बहरहाल इसे हम और भी आगे ले चलेंगे चर्चा में। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रजनीश अग्रवाल जी बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। जी धन्यवाद। रजनीश अग्रवाल जी, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया कैसे देखते हैं आप? आरोप तो ये भी कि अभी भी नेता पुत्र वाला प्रेम छूट नहीं रहा कांग्रेस से, आरोप ये भी लग रहे हैं कि क्योंकि जो विवेक त्रिपाठी है उन्होंने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि कुछ ठीक नहीं है, इसको लेकर शिकायत की जाएगी, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए ये युवक कांग्रेस के चुनाव चाहे ऑनलाइन हो चाहे कैसी भी इनकी प्रक्रिया पद्धति हो,
लेकिन ऑफलाइन इन लोगों ने पहले ही तय कर रखा था किसको अध्यक्ष बनाना है। और ये मैं नहीं कह रहा, आप मीडिया के कई बंधु अपने संस्थानों में समाचार बतौर ये प्रकाशित प्रसारित कर चुके हैं कि अध्यक्ष कौन होगा जी। तो काहे का चुनाव, काहे की पद्धति, काहे की प्रक्रिया, काहे का ऑनलाइन, काहे का क्या, काहे की पारदर्शिता, नेता पुत्रों को सेटिंग करके कहां किसको बिठाना है जी। तो पहले ही तय कर लिया गया कांग्रेस का, यही कल्चर है, यही लोकतंत्र है। और तमाम प्रकार के आरोप उनके युवक कांग्रेस के उम्मीदवारों के द्वारा लगाए गए, तो इससे उजागर होता है कि कांग्रेस में हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। लोकतंत्र के नाम पर ये अपने ही कार्यकर्ताओं को ठगते हैं। यानी पहला सबक जो युवा राजनीति में आया है, युवक कांग्रेस में, कांग्रेस में काम करना चाहता, उसका पहला सबक है धोखाधड़ी करो, नेता पुत्रों की चापलूसी करो, यहाँ सब कुछ नेता पुत्रों को मिलेगा और यहाँ इस प्रकार की ही प्रक्रिया चलती है लोकतंत्र में। तो उनको ये पहला सबक मिल गया, अब आगे से वो भी इस मामले में तेज हो जाएंगे और इस प्रकार का काम करना शुरू कर देंगे। मैं आपकी बातों का जवाब जी, दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से बने हुए हैं, उन्हीं से आपकी बातों का जवाब ले लेती हूँ। दुर्गेश शर्मा जी, आपने सुना होगा रजनी जी क्या कह रहे हैं। रजनी जी वही है ना जिनके नेता नागपुर से तय होते हैं, ये उसी दल का नेतृत्व करते हैं ना जो आज तक कभी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा नहीं चुन पाए जी। ये उसी दल में काम करते हैं ना जिसमें उनका नेतृत्व को चलाने वाला नागपुर से आता है, उनका जो प्रभारी होता है वो नागपुर तय करता है। तो अपना गिरेबान देखें, मेरी पार्टी के अंदर एक निष्पक्ष तरीके से वोटिंग करके मेरे साथियों ने मेरे पार्टी के युवा नेतृत्व को चुना है, उसको बधाई देना चाहिए। नहीं लेकिन इसलिए आप अभी विवेक त्रिपाठी जी से भी बात हो रही थी, उन्होंने ही कुछ दिन पहले सवाल खड़े किए थे और उसके बाद जो बाइट्स आई सज्जन सिंह वर्मा साहब की, उन्होंने कहा कि विक्रांत भूरिया को ज्यादा ब्लेसिंग्स मिल गई। विक्रांत भूरिया ये वही नाम जो 2018 में अपने ही क्षेत्र से हार गए थे, तो सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं। जनता के बीच में चुनाव और कार्यकर्ताओं के साथियों के बीच में चुनाव एक अलग अलग प्रक्रिया है। जनता ने चुना नहीं चुना एक अलग बात है, साथियों को लगा कि यही हमारा नेतृत्व है, यही हमको नेतृत्व दे सकता है, तो साथियों ने नेतृत्व चुन लिया। इसमें भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची क्यों लग रही है? भारतीय जनता पार्टी को मैंने कहा ना अपना गिरेबान देखना चाहिए। क्यों ऑफलाइन ऑफलाइन ही नाम तय था, ये फॉर्मेलिटीज पूरी की गई आप लोगों की तरफ से? मेरे पार्टी के दल की आंतरिक प्रक्रिया है और जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष है और उस प्रक्रिया को मैं मानता हूँ, उसका सम्मान। ठीक है, कमेंट रजनी जी, जवाब दे उसका, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना मैं उचित नहीं समझता। रजनी जी देखिए, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी तो आनंद में है, उत्साह में है कि युवक कांग्रेस में इसी प्रकार की प्रक्रिया पद्धति इनकी चलती रहे। भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं होना, भारतीय जनता पार्टी को इनके चुनाव में कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि हमें पता है कि लोकतंत्र के नाम पर अपने बेटाओं को ताजी करते हैं। ये बात तो मीडिया ने, मैंने विक्रांत भूरिया का कई दिन पहले उजागर मीडिया ने किया, मैंने इसीलिए कहा। और जो सवाल उठाए थे वो भाजपा ने नहीं उठाए, इनके नेताओं ने उठाए, स्वयं उम्मीदवारों ने उठाए। इसलिए भाजपा तो खुश है कि जिस प्रकार के युवाओं को उनका परिदृश्य समझ में आ रहा, उजागर हुआ है कि किस प्रकार की चालबाजी षड्यंत्र शुरुआत से ही यहाँ हो जाना शुरू हो जाते हैं, इसका ही प्रशिक्षण मिलता है। भारतीय जनता पार्टी वंशवाद के आधार पर अध्यक्षों का चुनाव नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आम आदमी गरीब का बेटा बनता हो, बन सकता है और ये बने हैं। चलिए चलिए, ये केवल एक खानदान की पकौती नहीं है और ना ही अध्यक्ष किसी की कठपुतली बने या तो खुद खानदान का बने, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। बहुत शॉर्ट में दुर्गेश जी, इनको ये मुबारक हो और भाजपा बहुत प्रसन्नता है कि ये जो थे वैसे दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत शॉर्ट में जो बैसाखी पे चलते हो, जो लाठी से चलते हो, वो दूसरे दल के प्रजातांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सवाल करते हैं, एक खास परिस्थिति है। भारतीय जनता पार्टी को उनके संघ की लाठी मुबारक, हमको हमारे साथियों का चयन मुबारक, हम अपने साथियों के चयन और अपने साथियों के द्वारा लिए हुए निर्णय का सम्मान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो विक्रांत बने सरताज, लेकिन सर पे ताज तो आ गया है, इस ताज और जिस गद्दी पर वो बैठे उसमें कई कांटे हैं। अब कैसे आगे आने वाली चुनौतियां हैं उसका सामना करेंगे विक्रांत भूरिया, और जो आरोप अभी से ही लगना शुरू हो गए हैं, क्या अब अंदरखाने कांग्रेस में विक्रांत भूरिया को युवा कांग्रेस के वो उम्मीदवार जो इस दौड़ में शामिल थे या इस दौड़ में बराबर
चल रहे थे विक्रांत भूरिया के साथ, क्या वो स्वीकार कर लेंगे? क्या उनके अंदर ये मन में ये बात नहीं चल रही होगी कि जिस प्रक्रिया को लेकर उन्होंने कुछ दिनों पहले ही शिकायत करने की बात कही थी, उसी प्रक्रिया के तहत विक्रांत भूरिया को चुन लिया गया? ये वही विक्रांत भूरिया हैं जो अपने क्षेत्र में हार गए थे चुनाव, लेकिन उसके बाद दोबारा इन्हें मौका दिया गया। क्या वाकई आदिवासी वोटर्स को साधने की यह कवायद नहीं है कांग्रेस की तरफ से? क्या कोई और आदिवासी चेहरा नहीं था, सिर्फ विक्रांत भूरिया एक थे? अगर साधना भी था तो उसके अलावा जिन और भी जो उम्मीदवार थे, क्योंकि उसमें विवेक त्रिपाठी भी थे, विवेक त्रिपाठी का कहना है कि चूंकि पार्टी में भी आरक्षण जैसी प्रक्रिया है तो उसका ध्यान रखते हुए भी पार्टी ने मुझे चौथा नंबर दिया है, लेकिन दबी जुबा में वो भी स्वीकार कर गए कि ब्लेसिंग्स तो ज्यादा विक्रांत भूरिया को मिली है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। We'll be right back.